श्री गुरु गुरु विधानी जयंती श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जीवचरी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम विजय श्री श्री कृष्ण संकीर्तन श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र समुपस्थित वैष्णव सज्जन बिंद भगवान की कृपा से दामोदर महीने में श्री ब्रज बिजाई तिथि के उपलक्ष्य में आज गोवर्धन गौरीमठ में हम सब लोग परम पूज्य भक्ति वेदांत संत के आचार्य वरेण्य कहीं श्रीमान भक्ति वेदांत ब्राह्मण सिंह महाराज के जी ब्रज विजय महोत्सव में सब लोग समागत समाहत हुए है। भक्ति विनोद ठाकुर का त्रिवाग तिथि के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी कहते हैं आज गोलोक विजय दिवस गोलोक प्रवेश दिवस हरिदास पंडित के साथ उचित तिथि में भक्ति विनोद ठाकुर नित्य धाम में
राम भी कह सकते हैं कि प्रजवाद भावन विश्व महाराज ब्रज निकुंज में विजय प्राप्त हुआ है। तिरुधान तो बाहर से बताते हैं, ये बाहर की बात है। तिरुधान जब दृश्य अदृश्य हो जाते हैं तो उसको तिरुधान तिरु भवती इति तिरु भाव तिरु दधाती इति तिरुधान शब्द का प्रयोग है। परंतु कहाँ तिरुधान करते हैं? संसार में कोई नहीं देख सकते हैं, परंतु अपना दिव्य गति अपना प्रेम गति के कारण नित्य धाम में विजय करते हैं, जिसके कहते हैं तिरुधान निज्जान। कभी नहीं लगते हैं निज्जान तिथि शब्द का निज्जान का प्रयोग केवल उसी प्रयोग होते हैं जो नित्य धाम में पहुंच जाते हैं। निज्जान निश्चित रूपेण जाति इति निज्जान निज्जात निर्वाण शब्द का तो ब्रह्मलीन को निर्वाण कहते हैं, परंतु निर्जान कहते हैं नित्य धाम में निश्चित गति ही निर्जान। अनेन कारणों नियते संसार में जो कारण तो है कार्यक्रम दर्शन करते के कारण निर्णित होता है। वैष्णव चरित्र किस प्रकार है? सिद्ध प्रसिद्ध खुद वैष्णव अग्र बंद प्रबंध भूवि वैष्णव अग्र संग प्रसंग पर वैष्णव वही वृद्ध समृद्ध नत वैष्णव अग्र वैष्णवाग्र ही सिद्ध एवं लोक प्रसिद्ध है। वैष्णवाग्र ही वंदनीय ओ प्रबंध उनका चरित प्रबंध के विषय है। वैष्णवोत्तम ही संगयोग्य है, उनका प्रसंग ही वरणीय है। वैष्णवाग्र से वृद्ध अर्थात धर्मज्ञ और भक्ति संपत्ति से महान और कोई नहीं है। ऐसा चरित्र भवन महाराज के चरित्र में स्पष्ट रूप में विद्यमान है। तित्तास्पदं वैष्णव जन्म पीठम सात्तास्पदं वैष्णव धर्म सिद्धि श्रद्धास्पदं वैष्णव काव्य कीर्ति पूजास्पदं वैष्णव पाद पद्मम। वैष्णव की जन्मभूमि तीर्थास्पद से वैष्णव धर्म सिद्धि ही प्रकृत सार्थक के आस्पद स्वरूप है अर्थात आश्रय स्वरूप है। वैष्णव काव्य एवं कीर्ति श्रद्धा का आस्पद स्वरूप है तथा वैष्णव के पाद पद्म ही एकमात्र पूजा का आस्पद स्वरूप है। प्रामाणिकं वैष्णवमेव विद्या समाधिकं वैष्णवमेव मन्ये प्रधानिकं वैष्णवमेव नन्ना वैधानिकं वैष्णवमेव नित्यम। नित्यकाल वैष्णव को ही प्रामाणिक जानते हैं, वैष्णव को प्रधान समाधिक मानते हैं। धार्मिकत्व के विषय में वैष्णव ही प्रधान है और कर्तव्य विधि निर्णय में वैष्णव ही प्रधान है। भूभूषणं वैष्णव पाद पद्मं विभूषणं वैष्णव कीर्ति बोधं वाग्भूषणं वैष्णव कीर्ति गानं दुर्भूषणं वैष्णव सेवनं। वैष्णव के चरणारविंद पृथ्वी का भूषण स्वरूप है। वैष्णव की कीर्ति
ज्ञान की एकमात्र उपादान है। वस्तु गुणों कीर्ति गान ही वाक्यों का भूषण स्वरूप है और वस्तु सेवा ही हस्त का भूषण स्वरूप है। मन्नो परन्नो खलु वस्तुवग्र पन्नो शरण्यो भुवि वस्तुवग्र पूज्यस्त सर्वस्त हि वस्तुवग्र समस्त कर्मस्त हि भक्तभाव। वस्तुवत्व ही मान्नो और वरण्य है, वस्तुवग्र ही स्थावरियो और शरण्य है, वस्तुवग्र ही पूज्यो सर्व है तथा वस्तु भावी सम्मो और श्रेष्ठ कर है। साधंच सद्वैष्णव सेवनंगी पालंच सद्वैष्णव शासनंगी कृतंच सद्वैष्णव दोषनंगी धार्यंच सद्वैष्णव भूषणंगी। सद्वैष्णव की वैष्णव का सेवन ही साध्य हो। सर्व वैष्णव अर्थात उत्तम वैष्णव के शासन ही पल्ल है, वैष्णव का दर्शन ही साधु कृत्य है एवं वैष्णव उत्तम ही वैष्णव वैष्णव का वाक्य व्यवहार जो हुई हमारा एकमात्र धार्य भूषण है। अक्षनो फलंग वैष्णव दर्शन ही जीवा फलंग वैष्णव कीर्तन ही चेतो फलं वैष्णव चिंतनंगी बाहु फलं वैष्णव सेवनंगी सपर्ष वेदे भूरि वैष्णवाग्र भगवर्ष वादे खुल वैष्णवाग्र शिष्टस्य तत्ते वर वैष्णव वै प्रस्थस्य तत्सत्ते वर वैष्णवाग्र। ये लक्ष्मे वैष्णवोत्तमी वेद विचार में सब सर्व वैष्णवाग्र ही सिद्धांत पद में भगव पुरुष प्रमाणिक निश्चित ही वैष्णवोत्तम की तत्वानुचलन आदि में शिष्ट वर है। तुम वैष्णव प्रधानी सत्व विचार से प्रियतम है। जन्मानी च कर्मानी च धर्मानी च धनानी च बरो वैष्णववाद शब्द सफलतं प्रयन्ति ही। श्रेष्ठ वैष्णव को आश्रय करते हुए जन्म कर्म धर्म धनादि सफल सभी सफल प्राप्त होता है। नवस्तवात परो बंधु नवस्तवात पराश्रयो नवस्तवात परो विज्ञ नवस्तवात परो प्रियो आत्मीयते च पूज्यते तीर्थते वैष्णवो महान सुनीति प्रीति नेतृत्व गरिष्ठ वैष्णवो भवि। ये संसार में आत्मीय बंधु पूज्य तीर्थ स्वरूप एकमात्र वैष्णव महान सुनीति प्रीति धर्म के नेतृत्व में वैष्णव भी गरिष्ठ है। वैष्णवान कुलंबरम जनीत परा तथैव च सर्वं समुचितं सिद्धं वामनाचरिते ध्रुवम। वैष्णव कुली श्रेष्ठ वैष्णव जन्मई उत्तम जन्मई उत्तम श्री वामन चरित में सभी सिद्ध समुचित है। सर्वत्र वैष्णव पूज्य सर्वदा वैष्णव प्रभु सर्वेषां वैष्णव सहित वैष्णव सर्वतो गुरु। वैष्णवी सर्वत्र पूज्य है। संसार में दूसरा की पूज्यता लौकिक है परंतु वैष्णव की पूज्यता परमार्थिक है। वैष्णव सर्वतोभाव से प्रभु स्वरूप है और वैष्णवी सहित वैष्णवी सर्वदाता गुरु स्वरूप है। वैष्णव जगतान गुरु ऐसा चरित्र पूज्यपाद भवन महाराज के आचरण में व्यवहार में और भजन साधन में स्पष्ट रूप से विराजमान है। इसलिए आज उनके चरणारविंद में मैंने पुष्पांजलि एक वांग्मयी पुष्पांजलि प्रदान करती है। फिर वैष्णव बिंदु की चरणारविंद में
वाङ्मयी पुष्पाञ्जलि प्रदान करता हूँ। वैष्णव की प्रसन्नता ही हमारे एकमात्र साध्य स्वरूप है। भगवान की प्रसन्नता साध्य स्वरूप होती हुई भी शास्त्र में भेद कहती है, वैष्णव की प्रसन्नता बिना भगवान की प्रसन्नता कभी प्रसिद्धि प्राप्त तो नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता ये हमें एकमात्र आद्य प्रयोजन स्वरूप है। तो फिर इस सभा में पूज्यवाद भक्ति प्रसन्न मधुसूदन महाराज, पूज्यवाद बामन गोस्वामी महाराज के पति मात्र चरित्र के कुछ दीख प्रदर्शन करते हुए हमें कृतार्थ और अपना जीवन को धन्यवाद। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणा में श्रील गुरुदेव महाराज की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम लोग उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ पर आज भी परम पूज्यपाद नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद एकसवार श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत दामन गोस्वामी महाराज जी अपनी नित्य लीला से इस स्थान में आकर के अपने निज जन गोवर्धन दास बाबा जी महाराज और हमारे संन्यास हो गए नाम भी भाग परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत जाचक महाराज और अपने शिष्यों को और प्रशिष्यों को कृपा कर रहे हैं। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये अतिशयोक्ति भी नहीं है, इसमें कुछ बना के भी नहीं बोला जा रहा, ये एक नित्य सत्य है। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कई बार कि गुरु वर्ग लोग जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ये सब लोग गोलोक धाम को छोड़ करके राधा कुंड में और गोवर्धन में विराजमान। ये मैं इसको कैसे समझाऊं, मेरे शब्दों में वो नहीं है शक्ति कि बतलाया जा सके इन लोगों को। लेकिन फिर भी यहाँ पर परम पूज्यपाद गोवर्धन बाबा जी महाराज उनका साक्षात अनुभव करते हैं हमारे याचक महाराज इत्यादि, और वो अनुभूति भी यहाँ पे आके होती है कि किस प्रकार से उनके कमरे में जाते ही उनके कुटिया में घुसते ही एक अलग तरह की वाइब्रेशन। मैं तो यहाँ आके हमेशा चोरी करता हूँ, अलग ये पता नहीं मेरे अंदर ऐसी वृत्ति क्यों है, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे एक चीज का मैंने अनुभव किया, ये जो ये तमाल ताल तला है, तमाल के नीचे विराजमान होते श्री गुरुदेव और यहाँ बैठ करके हरिनाम करते और निर्देश दिया कि इन दोनों पेड़ों को आप लोग हटाना नहीं, उसको पालन करते हुए सेवक लोग उनकी सेवा में हैं। इससे श्रेष्ठ उनका जो अनुभव है ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन मेरे को तो यही वाइब्रेट करता है, मेरे को तो यही रोमांचित करता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे पता नहीं क्या होता, मैं ऐसा छोटा सा बच्चे की तरह मतलब महाराज जी से, हमारे गोवर्धन महाराज जी से और श्रीला परम गुरुदेव कहें श्रीला पावन गोस्वामी महाराज जी से एक बालक की तरह ही आकर के उनके पास में थोड़ा सा अभिनय कहो या क्या कहो मैं जानता नहीं। तो आज उनका जो तिरुभाव तिथि है बड़ा ही एक विशेष महत्व लेकर के, उनके गुरु भाई परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी जिन्होंने ऐसे ही सहज और सरल भाव से कह दिया कि महाराज आप लोगों के तो शिष्य हैं, लोग तो आप लोगों को तिथि को मनाएंगे, हमको कौन जानेगा कौन जानता है, मजाक में ही कह दिया, अनायास सहज भाव से कह दिया। श्री रघुवंश गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं आपकी भी तिथि को मनाएं। और देखिए
मेरे लोम खड़े हो जाते हैं जब ये बात को स्मरण करता हूँ। 2 साल पहले श्री त्रिवेंकट गोस्वामी महाराज जी गए और 2 साल बाद में गुरु महाराज जी के श्री राम गोस्वामी महाराज जी के जब जाने का समय था तो डॉक्टरों ने तो बोल दिया कि भी अब ये गए, लेकिन वो अपेक्षा करते रहे तिथि के प्रवेश करने। वो कितनी बड़ी बात है कि अपना वचन दिया वो याद रखते, ऐसी अवस्था में जो कि बाहर बाह्य ज्ञान है ही नहीं, फिर भी अपने गुरु भाई का आनंद उसको तिथि को मनाने के लिए हम लोगों को उन्होंने ये तिथि प्रदान की कि मेरे गुरु भाई का भी दिवस है। और आज शिला इस कौन के संस्थापक शिला ऐसी भक्ति विदान स्वामी महाराज जी का भी तिरुभाव, मतलब कैसा अद्भुत संयोग है ये कि हम सब यहाँ बैठे उन लोगों को याद कर रहे हैं और उनकी याद में साक्षात वो हैं। ये बात जिस दिन हम अनुभव करते हुए उनका स्मरण करेंगे, हम लोग, मैं अपनी बात कहूँगा, बाकी सब वैष्णव तो श्रेष्ठ हैं मेरे से, इसलिए उनके बारे में नहीं कह सकता, हम लोग केवल मात्र दूसरे को गाल बजाने वाली बात करें, मतलब दूसरा मेरी बात को सुन के प्रभावित हो, दूसरा समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, ये भावना से मैं बोलता हूँ। लेकिन वास्तविकता में जिस दिन मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा कि मेरे गुरुदेव, मैं जिन गुरु वर्गों के चरण में बैठा हूँ वो मेरे को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जिस दिन इस भाव से उनके चरणों का स्मरण होगा उसी दिन वास्तविकता में कीर्तन और श्रवण और सब कुछ स्मरण होगा। इसी के साथ मैं उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए निवेदन करता हूं कि आपकी कृपा के बिना मैं आपके द्वारा प्रदर्शित पथ पर चल नहीं सकता, प्रयास बहुत कर रहा हूं, ऐसा नहीं है निष्कपटता से प्रयास कर रहा हूं, पूर्ण प्रयास है, मगर आपकी शक्ति के बिना वो प्रयास सफल नहीं, इसलिए आपके चरणों में मेरा हाथ निवेदन। परम विधेय श्री कृष्ण संयुक्त नाम श्री हमारे पूज्य श्रीपाद भक्ति प्रसन्न मधुसूदन महाराज ने अपना अनुभव प्रकाश करते हुए उनके चरणारविंद में पुष्पांजलि प्रदान की। अनुभव करने वाला ये मनुष्य जिनमें अनुभव नहीं है वो तो अंदर की बात चलती है, अदन पूजन सही नहीं कर सकते जिनमें अनुभव नहीं है, वैष्णव चरित्र अनुभव नहीं है, मिठाई जीव में लगा दे तो अनुभव तो जरूर होते, तो नहीं बता सकते क्या खाते, तो मनो जो पैरालाइसिस हो गया, जीव में पैरालाइसिस हो गया, इसके कारण मिठाई बहुत नहीं होता, वैष्णव सेवन करते हैं, भगवत सेवा भी करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ बोध नहीं है, तो मानो वो तो मुर्दा की बात ही चलती है, तो करंट में चलते हैं मुर्दा ऐसे ही चलते हैं। जब साल सभा में हमारे बंधु प्रभात कृदंड स्वामी से संवाद भक्ति वेदांत जासक महाराज जी अपना अनुभव गुरु सेवा के माध्यम से जो प्राप्त है वह है प्रकाश करें। हरे कृष्णा, आज विशेष सौभाग्य की बात है, आज श्री गोविंद महाराज जी हमको कुछ के बारे में कुछ पुष्पांजलि के लिए उनको सुगत प्रदान किया है, मैं काफ़ी बहुत अभिनी हूँ। जो भी गुरु जी का अभ्यास पूजा चिरभाव तिथि हमारा श्रीपाद महाराज जी गोपीनाथ गौरी मठ में किस तरीके से सेवा इत्यादि सहायता करते थे हम कभी भूल नहीं सकते। जब भी हम डॉक्टर महाराज एक दिन पहले आ जाते थे, जैसे चौहान महाराज अनुरोध करने रहते हुए मैं अपने दस पूजा को सुना, बहुत सुंदर
आज पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी पूर्व में कुछ अपने त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में कुछ संकेत चिन्ह दिया हुआ है, हमको विशेष रूप से बताने के लिए कुछ कंठित हो रहा है। हम कुछ पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी के संबंध में हम कुछ कीर्तन करेंगे। महाराज जी बहुत उनका हृदय जो था ना, जो परम गुरु महाराज जी था, उसको जो शब्द जाना है सिंह को जैसे लोग इतना बिकट शब्द गर्जन करते थे परम गुरु महाराज जी। और हृदय था एकदम मक्खन से मक्खन कमल, परम गुरु महाराज इतना कमल। और हमारा गुरुपाद पद जो था उनको टूको परम गुरु, अब परम गुरु महाराज जी को इतना सेवा किया गुरु महाराज जी, इतना सेवा किया। 103 बुखार है, उसी बुखार लेकर के उसको रसी बनाना, फिर उनको सेवा प्रसाद करने की व्यवस्था करना, नहीं जाना समय आश्चर्य हो गया था, ये कैसे संभव हो सकता है। 103 बुखार है, हमारा कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो आप बिस्तर में पड़ा है, ये बहुत बड़ा। तो आज गुरु महाराज जी 17वां वर्ष पूर्ति हो रहा है, आप पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज परम 15 वर्ष पूर्ति हो रहा है, थोड़ा। तो जब आदमी उम्र हो जाता है ना, जब वार्तिक अवस्था में आ जाते हैं, उसका स्थिति स्थिर हो जाता है, जैसे बच्चे बालक जैसा स्वभाव हो जाता है। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी हमारा गुरु भाई सब सेवा करते थे। तो एक समय बात है, परम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी आक्षेप होकर के प्रेमानंद प्रभु को पास में बोल रहा था, ये देखो एक भजन कुटीर खोलना चाहिए, और हमारा प्रेमानंद प्रभु तो वैष्णव को आदेश पालन करने खड़ा था, तटस्थ कोई आदेश करे ये आधी रात में तैयार है प्रेमानंद, पैसा का कोई चिंता नहीं करते थे। हाँ, तो प्रेमानंद जी तुरंत रामानंद प्रभु के पास में भेजा, जाओ नवद्वीप में जाओ, अपनी जो बगान बाड़ी है समाधि मंदिर है उसके बगल में कोई भी छोटा मोटा एक जमीन अगर मिल जाए महाराज जी के लिए भजन के लिए निर्माण कर। वो जमीन भी खरीद लिया, तैयार भी हो गया, ये खबर गुरु महाराज जी के पास में पहुंच गया। अब पूछने के बाद में गुरु महाराज एक सेकंड विलंब नहीं, वेडिंग बार चलो नवद्वीप, वहां पर जाकर के पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी को बोल रहे हैं, ये क्या बात हुआ, आप भजन कुटी निर्माण कर रहा है मेरे छोड़ करके, हमको छोड़ करके आप भजन कुटी निर्माण। तो त्रिविक्रम महाराज जी बोल रहे हैं, आप कहाँ रहेंगे, हमारे लिए कोई अच्छे भजन की व्यवस्था किया है, कौन बोल रहा है, आप हमारा पास में रहेंगे, कठाल हमारा गुरु जी का कठाल तला में एक छोटा से, वो इतना सुंदर भी नहीं था, टूटा फूटा था, आप हमारा पास में रहेंगे, अब बिल्कुल आज तक गया नहीं। और गुरु महाराज जी बहुत मानते थे, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी बहुत, ये तो पूज्यपाद नारायण महाराज, ये तीनों एक वृक्ष का पुष्प है, क्यों किसी कभी नहीं। तो पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी ने बोला था, हमारा गुरु भाई जो सेवा कर रहा था, तो गुरु भाई ने बोला है पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी का तिरुभाव तिथि हम लोग पालन नहीं करते, ये ब्रह्मचारी लोग मतलब एक आलोचना हुआ है।
ये शब्द गुरु जी के कान में पहुंच गया है और गुरु जी सुनते ही माथा पे हाथ लगा दिया है। सपना तो वैष्णव चले अपराध की बात कैसे खड़ा होगा। आज श्री गुरु महाराज विश्व पितामह जैसा इच्छा मित्र हमारा अगर तिरुभाव तिथि पालन होगा हमारा त्रिविक्रम महाराज के तिरुभाव तिथि पालन होगा घोषणा कर चुका। आज गुरु महाराज जी उसी दिन को चुन लिया हमारा तिरुभाव पालन होगा तो जब त्रिविक्रम महाराज के तिरुभाव पालन इच्छा में उसी दिन को गुरु महाराज जी निर्णय कर लिया हमको उसी दिन में जाना है उसी दिन में बारह बजे रात को बारह बजे खबर आ गया। सेक्रेटरी फोन किया था तुझे बात आचार्य महाराज जी फोन किया था गोपीनाथ गोरिया मठ के चंद्रतो जी गुरु महाराज जी ठीक है। फिर आधा घंटा एक घंटा बाद एक बज के कितना मिनट में एक टेलीफोन आया गुरु महाराज जी अपने धाम में आज कार्तिक महीना था आश्रम में भक्त लोग एकदम भरा पड़ा था महाराज जी भी था विश्वनाथ में। फिर महाराज हम विश्वनाथ ने फोन किया था सब मिल करके हम लोग रात दो बजे गाड़ी करके हम दिल्ली गया एयरपोर्ट में जाके बाई प्लेन से गुरु महाराज जी के दर्शन कहने का अभिप्राय है गुरु महाराज जी जगत की तो है ही कुछ अलौकिक कुछ तो गुरु भाई और सब ब्रह्मचारी लेकर के जा रहा था दिल्ली हरिद्वार से तो मुजफ्फरनगरपुर में एक चौराही है उसको पहले थोड़े पहले तो गोपीकांत तो वो सेवा करते थे तो उस समय धूप जो गोपीकांत प्रभु का गुरु जी का शरीर में लग रहा था तो गोपीकांत प्रभु गुरु जी को बोला गुरु महाराज जी आप हमारा स्थान में आ जाइए हम आपका स्थान में आ जाएंगे। तो गाड़ी रोक करके थोड़ा सीट को अदल बदल कर तो मुजफ्फरनगर मोड़ पे चौराहे पर जब आ गया एक गाड़ी आकर के जहां पर जिस सीट में गुरु जी बैठे थे वहीं पर गोपीकांत प्रभु था और एक गाड़ी आकर के वहीं पर मार दिया वो था गुरु जी का ही था लेकिन उसको बचा दिया। तो गुरु महाराज जी बाहर होकर के उनको तो देखना चाहिए भाई क्या हुआ नहीं हुआ उनको निकालो कुछ सब एक भी शब्द नहीं बोला गुरु महाराज एकदम टच होकर के अपने भगवान डायरेक्ट नृसिंहदेव से वार्तालाप हो रहा हमारा सेवक को कौन लेने वाला है इस तरीके से गुरु महाराज तुरंत एक गाड़ी आ गया। गाड़ी आने का बाद में गोपीकांत प्रभु को एकदम इस तरीके से निकला खून खून भर गया चारी तरफ से खून निकाल रहा डॉक्टर ठीक करके उसके बोला जी भाई यहाँ नहीं बन दिल्ली सोचा दिल्ली रात बारह बज गया उसके बाद माधव महाराज था उसके मलका इंद्रप्रस्थ गौरी तो माधव महाराज गुरु जी का बहुत स्नेह करते थे सुनते ही वो चला गया हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर ने बोला 10-15 मिनट के अंदर में उसका पूरा बॉडी का हमको रिपोर्ट चाहिए वो दर्जा बन के जो फोटो खींचने वाला था बन करके चला गया देखा बंद लेकिन उस दिन किया नहीं जो फोटो खींचने वाला है अचानक देख महाराज जी के सामने पड़ गया अरे भाई तू किया नहीं बोले नहीं जल्दी जा फोन 10 मिनट के अंदर में इसका पूरा बॉडी का रिपोर्ट चाहिए डॉक्टर और तुरंत जाकर के 15 मिनट के अंदर में उसको पूरा फोटो खींच करके डॉक्टर के पास हाथ में दे दिया। डॉक्टर ने जवाब दिया गुरु जी अब चिंता मत करो केस हमारे हाथ में और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो यहाँ से तुझे बाद नारायण महाराज जी तुझे बाद माधव महाराज जी नवीन गुरु था तो तुरंत दिल्ली में पहुंच गया।
दिल्ली में जाते वार्तालाप करने से बात पूछताछ हुआ के साथ में तो बोला है कि जाते समय आप मथुरा होकर के जाना तो जो नारायण महाराज जी गुरु जी को निमंत्रण किया कि मथुरा होकर के जाना तो इधर में थोड़ा प्रेमानंद प्रभु का थोड़ा अभ्यास है कोई भी आपने नारायण महाराज जो आते विदेश से आते ना उसके लिए मृदंग कीर्तन उर्तन पेंडल गेट बेट रोड शो उनका स्वाभाविक था तो गुरु जी आएगा इस तारीख को भी निर्णय किया हुआ लिखा हुआ है डायरी में उसके लिए बहुत व्यवस्था कर रहा है प्रेमानंद को वहाँ गेट लगा दे मथुरा गौरी मठ के सामने इधर में कीर्तन मंदिर बाजा बुजा ना जाने का अचानक गुरु महाराज जी बोला यही शिवक को बोले बेडिंग बांधो जल्द एक दिन पहले बोला है कि बेडिंग बांधो चलो वो नहीं पता और सीधा आ गया वृंदावन हम रूप सनातन आते ही गुरु महाराज जी बोला हमको बहुत भूख लग गया ढाई बज गया बहुत भूख लग गया तुरंत विमल प्रभु ने हमको फोन किया चंदन प्रभु जी अरे गुरु महाराज जी आए हैं कुछ बचा हुआ है प्रसाद उस दिन देखो गोपीनाथ का क्या कृपा था वो थाली बिल्कुल गोपी जी दिया हुआ जो थाली का भोग है ना मैं अलमारी के ढाक के रख दिया था मैं भूल के छोड़ दिया उसको परिवेशन मैंने किया है और मैं तो उत्कंठा हो करके मैंने नाश्ते कूचते मैंने प्रसाद देके जा रहा गुरु जी आज गोपीनाथ को प्रसाद दे गौर प्रभान और इधर से बुजुर्ग नारायण महाराज जी आप बुजुर्ग नवीन प्रभु जी भक्त भक्त है मथुरा विश्राम भी नहीं किया महाराज जी आते ही नवीन महाराज जी पकड़ लिया महाराज जी आपको तो कान आने का बात था हे हरमजदा मेरे को गलती हम नहीं करते गलती आप देखो डायरी खोल के देखो डेट कहना का अभिप्राय है गुरु महाराज जी जैसे माधवेन्द्रपुरी बात प्रतिष्ठा करिए भाग्य था ऐसे हमारा गुरु महाराज जी भी प्रतिष्ठा बिल्कुल शरीर में नहीं मानते बिल्कुल उसका छीटा फूटा भी उसका देखो हमारा व्यास पूजा में गुरु महाराज जी को भी हमको कितना बार माना किया है जो बंद करो व्यास पूजा बंद करो मैं बहुत सब ब्रजवासी को निमंत्रण महाराज जानते थे सबको निमंत्रण करते थे अब ये महाराज कुछ बार नारायण वहां के आदेश से हम कर रहा था अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था महाराज जी कुछ बार नारायण महाराज जी के पास में गया महाराज जी रूप सनातन गौरी मठ पे है सारा दिन रास पूर्णिमा तिथि में विग्रह प्रतिष्ठा हुआ गोपीनाथ में उसी तारीख में प्रतिष्ठा हुआ तो विशेष तिथि तो पालन करना सभी की आवश्यकता है रूप सनातन में जरूरी है गोपीनाथ में एक ही तिथि में अगर दोनों मठ में अगर उत्सव करे तो वैष्णव का अभाव हो जाएगा इसके लिए क्या तो महाराज जी उसको विधान दिया अरे परम गुरु महाराज जी तेरे भारती थी मथुरा में होगा व्यास पूजा में विश्वनाथन में होगा और गुरु महाराज जी की व्यास पूजा होगा गोपीनाथ गौरी मठ में तेरे भारती थी होगा विश्वनाथन ऐसे गुरु महाराज जी माना आप प्रेमानंद को बुला करके बोला है प्रेमानंद 9 बजे पुष्पांजलि समाप्त होना चाहिए मथुरा में 9 बजे के बाद में सब मिल करके महाराज जी सब दे करके वहां पर दर्शन बनेगा हमारा उनका गुरु भाई सत्यानंद प्रभु जी को मैंने 7 दिन पहले ही बुक करके आते थे पैसा वैसा दे करके वो आ करके मीनू सजाते थे मीनू क्या क्या बनेगा हरे कृष्ण तो मीनू सजाते थे क्या क्या बनेगा तो महाराज जी जो बोलते थे सत्यानंद प्रभु जी आप एक पाई में थे और क्या क्या आइटम बनेगा ये हम जाते थे बाके प्रभु के जो पिताजी थे ना वो परम भक्त थे उनको पास में हम जाते बड़ा बुरा आदमी ब्रजवासी और हमारा प्रेमानंद को लास्ट फाइनल
बोले जी रोज हर साल तो परमन्न होता है, कुछ परिवर्तन करो, कुछ परिवर्तन करो। तो पीपा के पीपा खेजूर का गुड़ आ गया कलकत्ता से, आ खेजूर गुड़ का क्या होगा, नहीं राबड़ी बनेगा, खेजूर गुड़ का राबड़ी। रात भर ने 3 क्विंटल दूध को जला दिया, मैं सुबह 3 बजे घुमा विश्राम करने गया था, फिर 4 बजे उठ गया चूल्हा जलाना है, वो देखा है वो भगुना जो है ना दुगुना हो गया फूल कर, वो गरम गरम रखा है ना उसको खराब हो गया। अब प्रेमानंद के पास में फोन किया तो उसको टेलीफोन कर ऐसे बात, बोले ठीक है कोई बात नहीं परमन्न कर दो, ठाकुर जी इच्छा था। इस तरीके से गुरु महाराज जी व्यास पूजा में इतना आनंद आते थे, अब महाराज जी जाते प्रेसिडेंट साहब महाराज जी सब पर जमा करते थे, और ये इस तरीके से परिवेशन होगा नहीं होगा ऊपर नीचे में एकदम बहुत आनंद था। और ये गुरु महाराज जी अलौकिक व्यास पूजा में गुरु महाराज कभी भी मठ में नहीं रहते थे, किसी गृहस्थ के घर में चला जाते थे। ये कैनिंग है ना, कैनिंग में वो बैठा हुआ है, उनको घर में जाकर के अचानक चला गया अगले दिन, वो उस मठी है घर मठी है कहने, तो वहां पर जाकर के गुरु महाराज जी व्यास पूजा मना रहे। और एक बात है, एक हमारा बामनी दीदी है कुछ बिहार में, तो बामनी दीदी मुझे रोते थे, उनको पैसा कोई गरीब आदमी था, गुरु जी आपको व्यास पूजा करने के लिए हमको बहुत उत्कृष्ट इच्छा भी है, अच्छी अच्छी बनाएंगे आप जो अच्छी अच्छी पसंद करते बना के खिलाएंगे। तो गुरु महाराज जी था कलकत्ता, आज थोड़ा असुस्थ भी थोड़ा बहाना लगा दिया, आप उसने गुरु जी का व्यास पूजा में सारे प्रसाद उसाद तैयार करके भोग लगा करके, तो गुरु महाराज जी सचमुच वहां पर आए थे प्रसाद भी, और गुरु महाराज कलकत्ते, तो बाद में व्यास पूजा के बाद में बामनी दीदी कलकत्ते में, कलकत्ता में जाने के बाद में तो गुरु महाराज जी को पूछा, गुरु महाराज जी आप तो आए थे लेकिन आपको सेवा पूजा में ढंग से कर नहीं पाई, आप हमको कमा करने आंसू आ रहा था, बामनी दीदी दुर्नता को बोलते आपने क्या, बोले हमें तो कोलकाता छिलाम, हम तो कोलकाता में था, बोले नहीं आप आए थे हम देखा सब चक्कर में देखा। कहने का अभिप्राय गुरु महाराज जी ऐसे कुछ अलौकिक, और बहुत सी घटना है, समय बहुत अभाव है, सब सब का नकर है लेकिन घड़ी किसका नकर नहीं है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। आज हम विशेष रूप में हमारा पूज्य पाद महाराज जी से हम कुछ सुनेंगे, वंशा कल्पतरुदर्शिता ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम
मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज नित लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभुशील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री सभापति महोदय श्री भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज अन्य त्रिगण्य पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज है दो दो तीन 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 महापुरुषों का आज तिरुभाव महोत्सव है। कहते हैं जो कार्तिक महीना है देखो ये कार्तिक महीना की अधिष्ठात्री देवी कौन है। कहते कार्तिकेश्वरी ऊर्जा ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा इसी महीना में जन्म करके प्रभुपाद की गण में प्राय करके देखने को मिलता है। इसी महीना में किसका तिरुभाव और इसी महीना में किसकी आविर्भाव भी बहुत सारे भक्ति रखक श्रीधर गोस्वामी महाराज मेरे गुरुपाद पद्म श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जिनका भी तिथि इसी में आती है। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बहुत बहुत सारे वैष्णव का इसी महीना में ही क्योंकि ये जो अधिष्ठात्री देवी स्वयं से राधा रानी बड़ी दयालु कृपालु है इसलिए महापुरुषों का इसलिए आज तीन तीन महापुरुषों का आज तिरुभाव महोत्सव है। इसलिए अभी अभी महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। हम वैष्णव जगत में मरने का शब्द हम प्रयोग नहीं करते हम कहते तिरुभाव महोत्सव इसमें ये महोत्सव शब्द प्रयोग करते हैं। कहते हैं महोत्सव क्यों महोत्सव तो आनंद होता है लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु में तो दुख ही होते हैं लेकिन इसमें महोत्सव शब्द क्यों प्रयोग किया बोले तो इसका कारण है यद्यपि इनको ऊपर से दिखने से क्या लगता है जैसे ये शरीर छोड़कर चले गए बोले नहीं ये आते हैं क्यों जाते हैं क्यों। अब विशेष करके श्रीमान महाप्रभु के जितने परिकर है कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो धाम सहावत। कहते श्री महाप्रभु जैसे अपना धाम परिकर को लेकर के आए थे उसी तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अकेले नहीं आए इसलिए स्वयं नयन मणि मंजरी को स्वयं राधा रानी को प्रभुपाद को राधा रानी स्वयं आदेश देती है नयन मणि मंजरी जाओ इस जगत में कैसे तरह तरह का अपधर्म में आवल बावल नेड़ा नेड़ी है दरबेसाई सखी भेकी कितने अपसंप्रदाय छा गया है और धीरे धीरे श्रीमान महाप्रभु का वाणी धीरे 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 नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए स्वयं राधा रानी प्रभुपाद को आदेश देती हैं तुम अकेले मत जाओ तुम अपना परिकरों को लेकर जाओ। इसलिए जब प्रभुपाद आए वो अकेले नहीं आए वो पूरा के पूरा अपना परिकरों को लेकर के इस जगत में आते हैं। जिस समय श्री प्रभुपाद बड़े उदास हो गए थे बोले क्यों क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इनकी विद्वता को देख करके बोले ये साधारण बच्चा कोई नहीं ये साधारण बच्चा कोई नहीं इनकी विद्वता को देख करके इसलिए इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती उपाधि में इनको विभूषित किया था। बोले कौन बोले तथा कथित तो जितने विद्वान थे इनकी विद्वता को देख करके ये सब टाइटल दिया था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर श्री गौर किशोर दास जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद को बहुत कुछ टाइटल देकर गए थे कि जगत में तुम महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार और प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसलिए प्रभुपाद जब सब अंतर ध्यान हो गए प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए बोले प्रचार करने के लिए एक तो जन बल फिर एक अर्थ बल चाहिए लेकिन मेरे पास में दोनों ही कुछ भी नहीं है बड़े उदास हो गए थे। इतने में उन्होंने स्वप्न समाधि में देखा संपूर्ण गुरु वर्ग प्रकट होते हैं महाप्रभु प्रकट होते हैं कहते तुम कोई चिंता मत करो कह रहे हो ना जन और अर्थ बल नहीं केवल तुम प्रचेष्टा करो तेरे पीछे हम सबके सब मदद करने के लिए तैयार हैं।
तब प्रभुपाद स्वयं कहते हैं मैं तो बड़े उदास हो गया था, लेकिन जब ये बात को मैंने स्वप्न समाधि में देखा, कहते मेरे अंदर में तो 100 गुण ज्यादा उत्साह आ गया। इसलिए प्रभुपाद का जितने गण है ये कोई साधारण नहीं, उसी गण में श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज अन्यतम है, क्योंकि ये प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम को इन्होंने प्रभुपाद से उन्होंने ग्रहण किया है। वो किस तरफ से आए हैं, वो किस तरह से आए, बोले पूर्व बंगाल से आए हैं। कहते पूर्व बंगाल है क्या चीज, जब श्रीमन महाप्रभु जी जगत से गए वो पद्मा नदी में, बोले पद्मा तेरे पास में अपना प्रेम रख करके जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद में एक महापुरुष आएगा ये प्रेम उनको देना। तो पद्मा कहती है मेरे को पता कैसे चलेगा वो ये महापुरुष है, बोले उनका चरण स्पर्श से ही अपने आप तुम उफनने लग जाओगे, तब पता चलेगा ये वही महापुरुष है। जब वो उफना, वो उफनते ही उसी समय में एक हवा आई, वो हवा जिधर से उफनते हुए जिस तरफ में हवा चली गई हमारे जितने सारे गुरु वर्ग उधर से आए। पूर्व बंगाल का सब जगह से भक्त नहीं बनते अभी भी, वो जिधर वो हवा गई उधर से आ रही, जितना हमारे भक्ति देते माधव मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान ये सब के सब उसी धर्म से आए। इसलिए ये सब के सब समझो ये महाप्रभु की एक तरह का प्रेम अवतार है, महाप्रभु की ये प्रेम अवतार है ये लोग सबके सब। इसलिए इनके जीवन चरित्र को देखने से ही पता चलता है ये महापुरुष लोग इतने बड़े बड़े महापुरुष है। जैसे हम सुनते ना ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ये सब चीज प्रभुपाद इस गण में दिखता है, केवल प्रभुपाद का गण में। इन लोगों ने एक एक व्यक्ति जिस तरफ में गए जिस तरफ से गए उस तरफ में टहलका मचा दिया, उस तरफ में टहलका मचा दिए। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार एवं वर्णा, अगर ये शब्दों को अगर हम प्रयोग करते हैं कहां पर पूर्ण रूप में लागू होता है, केवल श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद में लागू होता है। वो ऐसे एक वृक्ष हुआ है, कहते फले न परिचित, कहते ना फल के द्वारा वृक्ष की महिमा है, लेकिन प्रभुपाद रूपी वृक्ष में ऐसे ऐसे एक एक दीप उसमें फल फले हैं, जो एक एक जो फल है वो अद्भुत फल है, वो एक अद्भुत फल है। वो फल में अन्यतम श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज उसी में है। इसलिए इन्होंने हम लोग तो जन्म को बाद में फिर बड़े कष्ट से कहीं भक्ति में आते हैं, लेकिन ये महापुरुष ये पेट से ही भक्त है। इनकी जो माँ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ही शिष्य है, हैं? इसलिए जब कोई माँ प्रसाद पाती है वो प्रसाद को पेट में बच्चा है वो पेट में ही प्रसाद पा रहा है, जैसे मैया मंदिर तुलसी परिक्रमा कर रहे पेट में बच्चा है वो बच्चा भी परिक्रमा करता है, पेट में बच्चा जब माँ प्रणाम करती है बच्चा भी प्रणाम करती है, माँ जब कथा सुनती है बच्चा भी गर्भ में बैठे बैठे करके प्रहलाद जैसे बच्चे गर्भ में बैठे बैठे कर कथा सुनते हैं। इसलिए ये महापुरुष ऐसे एक महापुरुष जो जन्म से मातृ गर्भ से ही जो भजन करने वाले श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज। इसलिए इन्होंने जब बचपन में पढ़ते थे कभी उन्हें नवद्वीप परिक्रमा में आए तो छोटे बच्चे थे 10-11 साल के बच्चे थे, अभी जब परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा खत्म हो गया अभी माँ चाहती है वापस फिर लौट जाए, लेकिन मंदिर के घर में वापस जाना नहीं चाह रहे, वो पिता माता ढूंढ रहे हैं। उनका बचपन का नाम था संतोष, हैं? सचमुच से संतोष है ये, हैं? हर की कभी भी इनके जीवन में असंतोष हमें कभी देखा नहीं, महाराज का बहुत संग हमने भी की, बहुत सेवा भी हमने किया है, कभी हर समय प्रसन्न नहीं, हर समय प्रसन्न नहीं, प्रसन्न कौन रह सकता है, बोले तत् प्रसादात पराम शांति, केवल उसकी कृपा से ही कोई प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए इनका जब जो संतोष नाम है सचमुच से जगत में कोई संतोष नहीं, कृष्ण भक्त शांत है, सिद्धि रिद्धि कामी सबके लिए अशांत है, शांत कौन है, कृष्ण भक्त ही केवल शांत और कोई नहीं। इसलिए जब उनको ढूंढे संतोष कहा संतोष कहा वो मिल नहीं रहा है, तो इनको पिता माता ने कहा ये संतोष तो मिल नहीं रहे जाने के लिए, वो कहता है मैं यही रहूंगा, बोले कोई बात नहीं रहे तो अच्छी बात है रह जाए। इसलिए उन्होंने आकर के परिक्रमा में ही आकर मंदिर में रह गई, तो उनको भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में उनको भर्ती कर दिया गया। जब भर्ती कर उसी समय प्रभुपाद की सेवा करते थे, प्रभुपाद के मंदिर के साफ करते थे, जो मटर सूटी होता है ना उसको छिलका उतार उतार कर प्रभुपाद को खिलाते थे, प्रभुपाद इनके हाथ से सेवा ग्रहण किया इनके हाथ से।
और इन्होंने उसी समय इनको भर्ती कर दिया स्कूल में। लेकिन इन्होंने जिस समय केवल स्कूल पढ़ने जाते थे केवल उसी समय ही पुस्तक पाठ को पढ़ते थे, मंदिर में आकर कोई पढ़ाई नहीं। मंदिर में आकर के वैष्णव सेवा में पूरा वैष्णव सेवा, इसलिए इनकी चरित्र को कहते हैं जैसे श्री नारद चरित्र है। नारद चरित्र है, कितना सेवन मुख ही जिह्वा दो स्वयं में स्फुर तत्व। इसलिए अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, कहते भगवान का नाम गुण लीला कोई जड़ इंद्रिय उनको स्पर्श नहीं कर सकता है, केवल वही उनको समझ सकते हैं जिसको अंदर में जितने सेवन की वृत्ति है। इसलिए इन्होंने वैष्णव सेवा, छोटे बच्चे थे, बच्चे को बड़े सभी का आदर होता है, सारे प्रभुपाद के गण को खाते समय आसन बिछा कर केले का पत्ता उसमें नमक नींबू दे करके उसमें सेवा करना, उनको उनको बाद में जगह को साफ करना, कोई वैष्णव वृद्ध हो गए उनकी सेवा करना। देखो जब हम सेवा करते हैं ना, सेवा ऐसे की चीज है जिसको भगवान कहते हैं वश्य को बंती माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम जता। जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते करते उसको अंगुलों के ऊपर नचा देती है, ये सेवा ऐसे की चीज। इन्होंने ऐसे वैष्णव की सेवा की, केवल वैष्णव सेवा से ही सारे वैष्णव उन्होंने संतुष्ट कर दिया। इसलिए इनको डिक्शनरी कहते हैं, इनको डिक्शनरी इतने श्लोक याद है। एक बार महाराज जी कह रहे थे बोले अगर मैं कंटिन्यू 7 दिन तक अगर श्लोक को बोलू, इतने श्लोक मुझे याद है 7 दिन तक बोलू तभी श्लोक मेरे मुख खत्म नहीं होगा, इतना डिक्शनरी। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब बोलते थे ये लिखते थे, लिख करके जैसे होते ना प्रूफ रीडिंग करते हैं, कोई कुछ जरूरत नहीं है, जो लिख दिया ना इनका हाथ की जो लेखन है इतना अद्भुत, उसमें कोई किसी तरह का गलती नहीं। एक बार लिख दिया तो लिख लिया, उसको कोई प्रूफ रीडिंग करने का जरूरत नहीं, उसको प्रेस में दे दो वो साथ छप कर आ जाएगा। ऐसे इनको अंदर में विद्वता थी, विद्वता थी। एक समय क्या हो गया इनको तो इतनी कथा मेरे को पता है। एक समय बंगाल में कहते ना रामकृष्ण अवतार, ये अमुक अवतार, एक समय आसाम में हंकर दे उसको भी वहां लोग भगवान कहते थे, भगवान कहते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे गौड़ीय वैष्णव के साथ उनकी एकदम सामना सामने हो गई, किसी धर्म सभा में सामना सामने हो गई, उनको भगवान बोल करके वो लोग कहते ये भगवान है, ये आसाम के भगवान है। तब इनको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनको खड़े कर दिए, इनको पता है इतने श्लोक इनको याद है, इतने श्लोक याद है, इनको खड़े कर दिए, बोले बताओ इनको कह रहे हंकर दे भगवान है तो इसी विषय में कुछ बताओ। जब इन्होंने इनको बताया ना, क्या उन्होंने ऐसे कोई वेद पुराण उपनिषद ऐसे भागवत ऐसे कई ग्रंथ नहीं जहां से श्लोक को उन्होंने कोटेशन किया। बोले भगवान जब तक भगवान इसी जगत में अवतीर्ण नहीं होते हैं, जैसे मानो मोदी अगर आएगा गोवर्धन में, ऐसे मोदी आ जाएगा पहले न्यूज पेपर में आ जाएगी, अनाउंसमेंट होगी, उनके लिए स्टेज बनेगा। पता नहीं एक साधारण एक मोदी प्राइम मिनिस्टर आने के लिए उसके लिए क्या क्या नहीं किया जाते हैं, भगवान जगत से इस थोड़ी आ जाते हैं। इसलिए कहते अप्रपंचात प्रपंचम अवतरणम इति अवतार, वो ऐसे अवतार नहीं आ जाता जैसे कल्कि अवतार होने वाले। भागवत में देखो बोले भगवान विष्णु जैसे कल्कि प्रादुर्भव से वहां लिखा हुआ है किसके घर में, उसको पिताजी का नाम क्या होगा, माताजी ऑलरेडी बताया गया है, ऐसे अवतार नहीं आ जाते हैं। फिर उन्होंने महाप्रभु को भागवत में कहां कहां पर श्री गर्गाचार्य ने बसाए आसन ब्रह्मास्त्र जस गृहत अनुजुगम तनो शुक्ल रक्त स्तंभापी तैदानी कृष्ण ताम गत कृष्ण वर्णम दिशाम कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जगे संकीर्तन प्राय जजंती। उन्होंने जो उन्होंने कोटेशन श्लोक किया ना वेद पुराण, इसलिए पिताजी का नाम क्या माताजी का नाम जगत में कहां अवतीर्ण होंगे, इसलिए दारु ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह सची पुत्र भविष्य विष्णु प्रिया सबका नाम आता है शास्त्र में, इसलिए उन्होंने इतने श्लोक उच्चारण किए। उसके बाद में भक्ति प्रज्ञान के गोस्वामी महाराज बताए अभी इसका एक ग्रंथ बना, अभी इसका एक ग्रंथ बना, इन्होंने जो बताया श्लोक ना उसी श्लोक से अभी हमारे मंदिर में एक ग्रंथ बनाया, महाप्रभु अवतार होने का प्रमाण किया है कहां कहां पर बता, उसको ही अभी हमारे मंदिर में ग्रंथ बनाया। ऐसे अद्भुत इनके अंदर में विद्वता, इनके अंदर में अद्भुत विद्वता इनके अंदर में, और देखो इनको साथ में भगवान की कितना संबंध, देखो कितने संबंध है। जो जगन्नाथपुरी में जो तोटा गोपीनाथ है ना,
एक समय पूरी में रहते समय स्वप्न ठाकुर ने स्वयं दिए। तोटा गोपीनाथ कह रहे हैं अब स्वयं हमारे भक्ति नारायण गोसाई बावन गोसाई विग्रह स्थापन हो रहा था। बावन महाराज को गोसाई महाराज स्वप्न आया, देखो मेरे पुजारी मेरे को फटे फूटे कपड़ा पहना दिए, मेरे को कपड़ा सही से नहीं पहना रहे, थोड़ा देखो मेरे को। तो उन्होंने हमारे महाराज को साथ में गए जा कर उन्होंने कपड़े खरीद दिया और ये कपड़े लेकर उन्होंने गए, बोले पुजारी को बोले ये कपड़ा ले लो और आप मुझे पुराने कपड़ा थोड़ा रख दोगे परीक्षा परीक्षा करने के लिए। जब दिया ना बोले कोई बात नहीं नया कपड़ा लिया भाई नया पुराना कपड़ा दिया तो उसमें फटा, वो कपड़ा फटा फूटा था कपड़ा। इसलिए अगर ठाकुर जी को कहीं अगर जला हुआ अन्न भोग लगा दिया ना झट स्वप्न आता था, मेरे को उन्होंने जला हुआ उन्होंने चावल मेरे को भोग लगाया। अगर उनको सही सही जैसे नवद्वीप मठ में पहले भिक्षा में जो आता था वही भोग लगता था तो साधारण चावल होता था। ठाकुर जी स्वप्न दिए इनको, बोले तुम देख नहीं रहे हो मेरे को कैसे खाना खिला रहे, और जैसे वहां पर जैसे खेती में जो होता था डाठा बाटा होता था जैसे जब जब मंत्री है इसलिए जैसे उनको स्वप्न दिया ठाकुर जी तुम देख नहीं रहे हो मैं कैसे खाता हूँ। फिर महाराज ने उनको बोले अलग बोले जो कुछ सबको लिए हो रहा है वो हो रहा है, ठाकुर के लिए गोविंद भोग चावल का व्यवस्था करो, ठाकुर को अच्छे तरह से कुछ भाजी भूजा बना करके ठाकुर को भोग लगा। इनको डायरेक्ट रूप में माना ठाकुर के डायरेक्ट रूप में इनके साथ में संबंध था ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी इनको स्वप्न देते। इसलिए ये महापुरुष जिस समय हाँ इनका तो बहुत सारी कथा कितना सुना बहुत बहुत ही कथा है। अभी महाराज जी अच्छी बात बता रहे थे बोले कनक कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाहिनी छाड़ी आछे जाए सहित वैष्णव। इसलिए बोले जिनको अंदर में ये तीन चीज नहीं होना इनको वैष्णव मानी जाती है। इनके अंदर में ये तीन गुण इनके अंदर में परिपूर्ण रूप बोले क्या है प्रभुपाद कहते कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीन गुण में वाहिनी को साथ उदाहरण दिया है जो भक्ति को नष्ट कर देने वाले। अभी बता रहे थे ना इनके अंदर में प्रतिष्ठा की कोई भी इनके अंदर में प्रतिष्ठा की कोई भी बूंद तक भी इनके अंदर में नहीं था। अभी बता रहे थे ना सारा दुनिया चाहता हमारी पूजा हो पूजा हो पूजा हो सारा दुनिया, लेकिन ये किसको बताएंगे नहीं। जैसे कल उनकी व्यास पूजा है ना एक दिन पहले से ही वो कहां चले जाएंगे सबर सबर किसको पता ही नहीं चले कहां चले ढूंढते रह जाएंगे क्यों गुरुदेव सबके सब गुरुदेव को व्यास पूजा करना चाहते इसलिए किसको अपना पूजा करने नहीं देते थे। और इन्हें ये आचार्य थे देखो इन ये आचार्य थे इसमें आचार्य रहते हुए भी आचार्य का कितना बड़ा अभिमान होता है अरे मैं आचार्य हूँ कोई भी काम होगा ना नहीं जाओ नारायण महाराज के पास में वो क्या कहते हैं सुनो वो कोई भी अपना बात को नहीं रखते थे नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं बोले जाओ नारायण महाराज से पूछो ये नारायण महाराज क्या कहते हैं। आचार्य होते हुए भी देखो इनके अंदर और एक विशेष गुण थी जब वो दीक्षा देने के लिए जाते थे दीक्षा मंत्र हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी बामन गोस्वामी महाराज के पास में आते थे प्रणाम करते थे देखो क्या कहते थे बोले आप हमें आदेश दो ये पाप कर्म करने जा रहा हूँ मेरे को आदेश दो प्रणाम करके आदेश लेकर जाते थे कहते थे मैं पाप कर्म करने क्योंकि शिष्य अगर उल्टा पुल्टा करता है ना उसका जो पाप है ना कभी गुरु जी को लगता है इसलिए कहते हैं पाप कर्म करने के लिए जा रहा मेरे को आदेश दो। इसलिए प्रतिष्ठा के भूत तक भी हम लोगों ने स्वयं देखा सब कुछ होते हुए भी कहते ना इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुता पाई का मद नाही वो कहते हैं ये प्रभुता जो प्रतिष्ठा ऐसे की चीज बोले का मद नाही जगत में से कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रतिष्ठा मिली उसमें अंधा नहीं हो जाए। लेकिन इनके अंदर में सब कुछ रहते हुए भी बूंद मात्र भी कोई अभिमान और कामिनी कनक कनक मतलब पैसा देखो इनके अंदर में कितने भगवत विश्वास है कभी भी उन्होंने बैंक में नहीं गए कभी भी नहीं उनका पॉकेट में जो पैसा होता था ना बोलते थे मेरा पॉकेट यही बैंक में हाँ 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 साथ से कभी गए नहीं। जिस मंदिर में जाते थे उनको जो प्रणाम मिलता था ना आते समय वो किसको बोलेंगे नहीं वो प्रणाम पास में छुपा करके कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा कब छोड़ा क्योंकि बोले सारे मंदिर तो हमारी है सब तो मंदिर तो उन्हीं का ही है ना इसलिए ऐसे इनके अंदर में। और जो कामिनी तो इससे तो बहुत दूर थे इसलिए ये जो महापुरुष ये प्रभुपाद का निज जन ही महापुरुष ये महापुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं इसलिए ये कार्तिक महीना में ही इनकी ये अंतर ध्यान कथा तो इनकी मैं इतना जानता हूँ जिसका कोई अंत नहीं
लेकिन अभी बहुत सारे वैष्णव लोग हैं, अभी इनके गुणगान को करेंगे, इसलिए ये महापुरुष हम सबको ऊपर में कृपा करें, हमारे सबको ऊपर में ये आशीर्वाद दे। जैसे सारा जीवन हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत करते करते, गुरु वैष्णव की सेवा करते करते, और इनकी जैसे सेवा करते करते जैसे हमारे जीवन बीत जाए, ये हम सबको ऊपर में ये आशीर्वाद दे, हम सबको ऊपर में कृपा करे। श्रील भक्ति वेदांत श्रील पावन गोस्वामी महाराज की, श्रील भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की। वंचागल उतरभस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वामी श्रीपाद भक्ति किंकर दामोदर महाराज गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु वैष्णव की महिमा दान करेंगे, क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान तीनों की कीर्तन ही कृपा प्राप्ति के एकमात्र कारण है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये इस सभा के अंदर कुछ निवेदन करने का प्रयास भी एक दृष्टता है मेरे लिए तो, लेकिन पूज्यपाद गोविंद महाराज जी ने और हमारे याचक महाराज जी ने, मधुसूदन महाराज जी ने माइक थमा दिया, तो इसलिए क्योंकि पूज्य महाराज श्री का संग मिला नहीं, सिर्फ दर्शन ही हुआ है, इसलिए उनके विषय में बोल पाना बहुत कठिन है। लेकिन एक बात मैं अपने हृदय का निवेदन करना चाहूँगा, हमारे परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के दर्शन से भी पहले परम पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ था चंडीगढ़ में। महाराज जी तब चंडीगढ़ में आए हुए थे, हमारा एक गुरु भाई था, वो शायद मठ में आया ही इसलिए था कि मुझे महाराज जी का दर्शन कराने, क्योंकि अगर वो उत्साह के साथ मुझे लेके नहीं जाता तो मुझे महाराज जी के बारे में पता भी नहीं होना था, मैं उनका दर्शन करने के लिए जाना भी नहीं था। लेकिन वो जो गुरु भाई है, उसका जो मामा है, वो महाराज श्री का शिष्य है, तो उस संबंध से गुरु भाई उनको जानता है, उनके प्रति बहुत श्रद्धा युक्त है, इसीलिए वो मेरा घनिष्ठ मित्र होने के कारण मुझे महाराज जी के दर्शन के लिए लेके गया था। तब पहली बार महाराज श्री का दर्शन हुआ, उनके चरणों के आगे लिखा रहता है कि चरण छूना मना है वो एक लकड़ी का ट्रायंगल बना हुआ रहता है, हिंदी इंग्लिश बंगाली तीन भाषा में रहता है, जहां पे भी जाएंगे उस भाषा का वो आगे कर देते थे। लेकिन मैं तो बहुत छोटा था, तो इसीलिए जैसे बचपन से हमारे पिताजी ने ऐसे सिखाया कि साधुओं के पास जाने से चरण स्पर्श करना, मैं तो आगे चला गया, चरण छू लिया, वहां लिखा है कि चरण छूना मना है। और महाराज जी के सेवक थे, लंबे चौड़े हमारे अनंतराम प्रभु की तरह, वो देखने में ही काफी लंबे चौड़े थे, वो लोगों ने धमका दिया, जब धमका दिया तो मैं डर गया। मुझे डरा हुआ देखकर पूज्य महाराज श्री के हृदय के अंदर की जो करुण भाव है बाहर निकल के आ गया, स्वाभाविक रूप से उनके मुखारविंद से भी पता चलता है, उनके उपदेश आचरण से पता चलता है उनका हृदय कितना करुणा से ओतप्रोत है। लेकिन उस दिन में भयभीत था, अब डरा दिया एकदम पुरुष है, अब डर गया, मैं कांप रहा था। फिर महाराज जी ने स्वयं निकट में बुलाकर गाल के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे थे, ठीक थे,
गाल पे हाथ फेर रहे थे और शायद ऐसे जाते चुपचाप रहते, प्रणाम करते, प्रसाद देके भेज देते। उस दिन महाराज श्री ने बिठाकर लगभग 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक मुझे और मेरे गुरु भाई को कथा सुनाया था। हम दोनों, मुझे तो स्मृति बहुत ढीला है तो इसीलिए याद है ही नहीं, लेकिन मैंने सुना, हमारे चंडीगढ़ के ऋषिकेश प्रभु ने मुझको बताया, वो उस समय वहां पे थे। महाराज श्री संबंध ज्ञान को लेकर के उस दिन बोल रहे थे और लेकिन जो भी कह रहे थे पूरी उपदेश के समय में सिर्फ मैं उनका दर्शन करता रहा था और उनका समझने का प्रयास कर रहा था और उन्हीं का कृपा है हमारे गुरुदेव तक मुझे लेके गया और उन्हीं का कृपा है आज मुझे भक्ति किंकर दामोदर महाराज बना के यहाँ पे भी रखा और पूरा विश्व भी घुमा रहा है। वो उसका मैं ऐसा समझता हूँ जो बीज है वो सबसे पहले मुझे वही से प्राप्त हुआ है। वो मेरे मेरे लिए वो मेरे गुरुदेव के अभिन्न स्वरूप है, इसीलिए मैं उनको गुरु रूप में दर्शन करते हुए उनकी कृपा का जन्म जन्म अभिलाषा करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा। देखो उनकी एक अच्छी बात सुनाता हूँ। एक समय यहाँ पर एक माता जी, मतलब इनको साथ में भगवान की कितने संबंध है और इनकी अंतर जामी तो कैसे है। यहाँ पर एक माता जी है, ये सिलीगुड़ी से आई, इसका नाम भारती है। माता जी एक दड़ा में नाम लेकर के आज भारती माता जी भारत में बुधा आज दड़ा यदि सामने इतिहास देखो उनका अंतर जामी तो समझो। ये जब गुरु जी से बाबन कुमार दीक्षा मंत्र ली, इनका जो पति है एकदम नास्तिक था, भक्ति भक्ति से कोई मतलब ही नहीं। देखो माता जी के तो ये बड़ी भक्ति में बाधा देती थी, इतने बाधा देती थी भजन में। जानते हो बंगाल में मांस मछली छोड़ना कितना कठिन है। ये माता जी मांस इनका शरण में लिए महाराज की। अभी इनको इनके पति बहुत सताती है, बहुत कष्ट देती है। एक दिन सताता है एक दिन इनका पति ने एक दिन पति ने इनको मारे थप्पड़ बड़े जोर से मारे। बोले क्या से वो ढोंग रचना कर तिलक कला में कड्डी मछली खाती नहीं, इसे कौन सा संप्रदाय है गया, मांस नहीं खाना मछली नहीं खाना, बंगाल में तो मांस मछली सब कुछ है। इतने इनको पिटाई की, उसने सोचा मैं आत्महत्या कर दूंगा। और लास्ट गुरु जी सिलीगुड़ी में थे, आज गुरु जी को दर्शन करके आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। अभी गुरु जी को दर्शन करने के लिए आए बामन गोस्वामी महाराज को, बोला दर्शन करके जाओ और मैं आज आत्महत्या करूंगा। लेकिन जब आए हमारे बाबा जी महाराज शिष्य थे उनका सेवक, बोले गुरु जी का अभी दर्शन नहीं होगा, गुरु जी का आज दर्शन नहीं होगा, गुरु जी अभी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन उसने वहीं पर बैठ गया, बोले आज तो आत्महत्या करना ना, दर्शन करके आत्महत्या कर लोगे आज। लेकिन जब थोड़ी देर बाद में फिर बाबा जी महाराज दर्शन खुले, जब उन्होंने गुरु जी को दर्शन करने के लिए देखो गुरु जी कितने अंतर जान, गुरु जी उनको शासन के बोले पागली आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो, तुमको पता ही मानव शरीर कितना भाग्य से मिलता है, हाँ कितना दुर्लभ मानव तुमको पता है, और तुम सुइसाइड करना चाहते, खबरदार कभी सुइसाइड नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, कोई चिंता मत करो बेटी, कुछ दिन बाद में तुम्हारे पति जल्दी से जल्दी भक्त बनने वाला, आत्महत्या नहीं करना। सचमुच से उनकी वाणी में कितने प्रभाव देखो, तब उन्होंने गुरुदेव मना कर दिया। ये तो अक्के बक्के चक्की हो गई, बोले गुरु जी को कैसे पता चला अभी भेजे कर आत्महत्या करो, आश्चर्य हो गई। फिर सचमुच से कुछ दिन बाद में उनका जो पति है फिर बामन गोस्वामी महाराज का इसे परिवर्तन हो गई, फिर बामन गोस्वामी महाराज का फिर अपने शिष्य बन गया। मतलब महाराज को अंदर में कितने अंतर जामित्व है महाराज जी, इसके प्रमाण चलता है। ये माता जी यहाँ पर खड़ी है, ये प्रमाण है ये माता जी का, इसलिए ऐसे ही ये महापुरुष जो है। दशास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वोई गणेश तत्व समाज सतीश, देवलोक भी अंतर जमी है। जो भगवान को जानते हैं तो सबको जानते हैं, भगवान का अंतर जो जानते हैं ना वो सबको अंतर भी जान सकते हैं। इसलिए सदगुरु जानते हुए भी कभी भी मुग्ध भाव प्रकाश करते हैं, जैसे भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी कभी कभी मुक्त भाव प्रकाश करते रुद्ध बताओ
क्या कर्तव्य है, मंत्रणा दे दो। सर्वत्र शिरोमणि गति कोई भी यही बताते, ऐसे ही गुरु कृष्ण सब लोग अपने को सेवा रखते है, पूछते है परंतु सर्वज्ञ है, जानते है कृपा वर्षित होते, ऐसे ही जब भक्तों में निष्ठा, निष्ठा की भाव, निष्ठा का भाव उदय होते है, तो भगवान गुरु वैष्णव की कृपा उनके बाद वर्षित होते रहे। ऐसे दुरांत व्यक्ति भी सिद्ध का लक्षण ही है, दुरांत व्यक्ति उनके चरण में नमन करते हैं, भाग को मानते हैं, तो उसी प्रकार चरित्र से महान श्री भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज और चंदन प्रभु को फिर बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण, मैं महाराज जी से थोड़ा समझ लिया। एक सत्य घटना, चलो बाबा जी महाराज जी जब पहले यहाँ पर आए थे, परिस्थिति बहुत ही कमी था, तो बाबा जी महाराज ने हमको फोन किया था, लैंड फोन था उस समय, गुरु महाराज जी आ रहा है, ये बात तीसरे हाथ नहीं होना चाहिए। बाबा जी महाराज बोले, हमने एक सेवक को दे करके भेजा था कि जाओ कुछ पैसे वैसे लेके जाओ, बाबाजी महाराज या गुरु जी जब आएंगे तो सब भक्त लोग भी आएंगे, व्यवस्था तो करना है। तो आकर के बाबाजी महाराज ने बोला चंदन प्रभु जी भेजा है, तो बोले ठीक है रखो, जब जरूरत कर ले। अच्छा, तो हम वहाँ से भाग करके आए हैं सुबह, गुरु महाराज जी यहाँ बैठे थे, तो प्रोग्राम क्या है, बोले जी हम गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर, राधा दामोदर केमरी था, चार स्थान हम दर्शन करने के लिए आए। हमने पूर्वी में अपने वृंदावन में भी मथुरा में गुरु जी का भजन कुटीर है, नहीं तो हमने गोपीनाथ में एक छात के ऊपर में गुरु जी का एक भजन कुटीर निर्माण किया था, तो उसमें हम सुना गुरु जी आ गया, हम प्रतिष्ठा भी हो जाएंगे, गुरु जी से हम प्रार्थना की गुरु महाराज जी आपको तो गोपीनाथ को जाना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी बोल दिया ये प्रोग्राम कैंसिल करो, आठ दस गाड़ी यहाँ पर खड़ा है, सागर महाराज सब है, बोले ये कैंसिल करो। हमने बोले हम तो पागल हो गया, रोते शुरू कर दिया, तो बात तो होकर हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है गुरु महाराज जी, आप जैसा इच्छा हो ऐसा करो। क्या बोला है गुरु महाराज जी, आप ध्यान से आप लोग सुनिए, ये कहने का लायक है। तो हमारा जो बाबा जी महाराज जो है ना, इतना गुरु जी का सेवा किया हुआ, इतना सेवा किया हुआ है, तो गुरु जी अपने खुद बोल रहा है मैं सेवक के पास में ऋणी हो गया, ऋण शोध करने के लिए हम गिरिराज गोवर्धन में आए हैं, ऋण शोध कर, सेवक का ऋण शोध करने, एक आचार्य देव प्रेसिडेंट बोल रहा है, इनको पास में हम ऋणी हो गया। कितना तन्मयता दे करके बाबा जी महाराज ने सेवा किया। एक बार हम लोग हम गया था सिलीगुड़ी में, तो गुरु महाराज जी बोले चलो हमारा संग में, हाँ शिलांग जाएंगे, सिलचर जाएंगे, गुरु महाराज जाएंगे आपके पास, तो एक टिकट बना लिया, जिरा जो ट्रेन है ना उसमें टिकट बना दिया। तो मैंने इतना फटकर लगा, इतना फटकर लगा, तो गुरु जी के लिए कुछ जो ट्रेन का होना चाहिए गुरु सेवा, जो आदमी चला गया छः सात घंटा लेट था, एक गाड़ी आया, गाड़ी में बत्ती नहीं है, और दोनों बाबा जी महाराज दिन करके हम लोग पंखा लगाते लगे, छः बनियान गीला हो गया, इतना गर्मी था, गुरु महाराज जी परेशानी हो गई। तो गुवाहाटी में हमारा परेशानंद ने क्या व्यवस्था करके रखा है, फूल का स्टेशन से फूल का रास्ता बना दिया, गेट बना दिया, हमारा प्रभात दिया वो एक लकड़ी का वो था, वो नया गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी गुरु जी के देने के लिए खड़ा रखा है स्टेशन में, और गुरु जी बोले नहीं यार बिल्कुल नहीं रुकना, सीधे शिलंग चला जाए।
हर महाराज जी वहां पर शिलांग में जाकर के हमको बोला है कि उसको माधव को, माधव को सेवा करते थे, माधव को बोला है, माधव भजन को बोला, भजन दो टिकट प्लेन का बना गया, दो टिकट गुवाहाटी से कलकत्ता, हमारा सज्जन बोले आप लोग दर्शन करके प्रसाद पा करके सीधे प्लेन में बैठ करके कलकत्ता, हमने गुरु जी का चरण में किए, गुरु महाराज मैंने आपके लिए मैंने बोला था टिकट करने के लिए, मैं तो आपके कृपा से बहुत प्लेन में चला था, बोले जी बेटा हम रहते रहते, इतना गुरु जी का ये देखो इनका किसी सेवक को मतलब अपना शिष्य को कभी उन्होंने आदेश नहीं देते थे, क्यों बोलते गुरुदेव अगर ये करेगा तो अच्छा रहेगा, तुम कर सकते हो लेकिन कभी बोलते तुम करो, बोले क्यों, एक दिन पूछा गया महाराज जी आप अपना शिष्य का आदेश क्यों नहीं देते, बोले देखो मेरा शिष्य है, अगर गुरुदेव शिष्य का आदेश देते हैं, अगर गुरुदेव उसको पालना नहीं करते उसको क्या होगा, उसका मंगल नहीं होगा, उसका अमंगल होगा, इसलिए कभी उन्होंने अपना शिष्यों को आदेश कभी उन्होंने नहीं दिया है, हर समय बोलते थे करेगा तो अच्छा होगा, इसलिए कर सकते हो जा सकते हो, हर समय उन्होंने ऐसे बोला करते थे अपने कलकत्ता मठ में, बोला कोई है एक गिलास पानी देने के लिए दो दो सेवक, सेवक भी नहीं बोलते, कोई है पानी देने के लिए, आज यही विश्राम लेते कथा तो अनंत है, जैसे भगवत चरित्र ऐसे ही वैष्णव चरित्र, भगवत वैष्णव चरित्र कितना भगवत चरित्र संपूर्णता नहीं प्राप्त हो सकता है, और भक्त चरित्र भगवान के बिना भी संपूर्ण नहीं हो सकता है, दोनों ही दोनों के परिपूरक क्षेत्र में निवास करते हैं, विराज करते हैं, जो निष्कपट भजनशील है गुरु सेवक है, आचार्यवान पुरुष भेद, उपनिषद में संकेत दिया आचार्यवान पुरुष ही भगवान को जान सकते हैं, तत्व को जान सकते हैं, तत्व विज्ञान को आचार्यवान पुरुष ही प्राप्त हो सकते हैं, सब लोग तो गुरुकरण किया लेकिन वैसे नहीं, गुरुकरण एक बाह्यिक अनुष्ठान व्यापार है, परंतु अपना मौन प्राण सब कुछ देके सर्वस्वम गुरुवेद अद्दत निवृत्ति तो होना चाहिए, फाउंडेशन तो वही है सर्वस्वम गुरुवेद अद्दत, जो केवल नमन करते हैं, नमन देते हैं, पैसा देते हैं, तो बाह्यिक शिष्य है, समर्पितात्मा समर्पितात्मा वेद आचार्यवान पुरुष वेद, जो समर्पितात्मा है वो जान सकते हैं, क्योंकि समर्पितात्मा करंटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से संयुक्त होते हैं, क्या होते वो शक्तिमान हो जाते हैं, वैसे ही केवल गुरु सेवा से सर्वं गुरु भक्ता, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं, सब कुछ जय करते हैं अलग अलग भाव से, परंतु केवल गुरु भक्ति से सब कुछ जय कर सकते हैं, और क्या भगवान भी जीत हो जाते हैं, भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं केवल ज्ञान मिश्रा भक्ति से भगवान अजित भगवान भी जीत हो जाते हैं, प्रतिदिन बताते हैं केवल निष्कपट गुरु भक्ति से ही भगवान प्रसन्न जन्मा, तो स्वयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जाता भगवान बारंबार ही बताते हैं, चारे शास्त्र में भगवान सर्वोत्तम भट वाणी प्रकाश हो गए,
तो भगवान ही बताते भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, किसी प्रकार सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान अपने मुख से बताते हैं, जैसे वैष्णव सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे गुरु सेवा से भी, गुरु भक्ति से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने के बाद क्या मिलते हैं? गुरु वैष्णव की भगवान की प्रसन्नता से क्या मिलते हैं? प्राप्त क्या है? भगवान गुरु वैष्णव भगवान की प्रसन्नता ही हमें प्रयोजन है, वो प्रसन्नता से ही प्रेम सिद्ध होता है। हमारा प्रयोजन है गुरु वैष्णव की प्रसन्नता। सब लोग कहते हैं कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है, परंतु प्रयोजन सिद्ध करने वाला कौन है? कहां से कृष्ण प्रेम प्रसिद्ध होता है? जिनकी कृपा से कृष्ण प्रेम प्रसिद्ध होता है, अविद्या विनाश जाति प्रेम भक्ति जाहोति वेदगाय जाहर से, वो है कृपा। मंत्र जप से और जितना तप ध्यान तप से की भगवान की प्रसन्नता प्राप्ति की संभावना सुदूर प्राप्त है, परंतु तुरंत भगवत कृपा भगवत प्रसाद भगवत प्रेम प्राप्ति के मात्र निर्धारित निश्चित उपाय गुरु की प्रसन्नता जिससे प्रसाद भगवत प्रसाद। हम देखते हैं बावन महाराज के चरित्र में निष्कपट गुरु सेवा वृत्ति होने के कारण वो जगत गुरु बन गए। गुरु सेवक ही गुरु बनते हैं, गुरु ही गुरु बनते हैं, कभी सेवक गुरु नहीं हो सकता है। ये बात कैसे होते है? गुरु ही गुरु बनते हैं, कभी सेवक गुरु नहीं हो सकता है। फिर भी बताते हैं कौन गुरु मान सकते हैं? गुरु जो गुरु सेवा करते हैं वो गुरु है, जो गुरु सेवा करते हैं वो तो गुरु है, गुरु ही गुरु सेवा में योग्य है। फिर भी उनके गुरुत्व तो वो अपनी घोषणा करके संसद से चल जाती है। भागवत में कहते हैं यदि नदी पार होके उत्तीर्ण होके अपना नाव संसद में रख के चल जाते हैं दूसरे के लिए, ऐसे ही परंपरा को सिद्ध करने के लिए गुरु दूसरा गुरु को बना के संसद से चल जाते हैं। तो वो बनाते नहीं, वैष्णव की गुरुता आरोप सिद्ध नहीं है, गुरु गुरु है। कोई बताते भगवान जब भक्तों के अंतर में शक्ति संचारित करते वो गुरु मानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी शक्ति प्राप्त होकर सृजन सृष्टि कार्य करते हैं, ऐसे ही वास्तव में गुरुत्व दे देते हैं, तो आरोप सिद्ध भाव से वो गुरु मानते हैं। ये बात तो अलग बात है, ये बात से गुरु की नित्यता नहीं प्राप्त हो सकता है, परंतु गुरु तो नित्य तत्व है, गुरु नित्य तत्व है, इसलिए भगवान कहते हैं आचार्य मन बिजानियन नाव मन में तो करेंगे। क्यों भगवान बताते हैं गुरु? मैं गुरु, मैं ही तो गुरु, गुरु मेरा स्वरूप है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। मेरा स्वरूप मैं ही तो गुरु रूप से गुरु तुदी कृष्ण तुदी कृपा करे कोनो भाग्यवान गुरु अंतर जमीन पे चिकाया अपने गुरु की साधन सिद्ध है, अनित्य सिद्ध है। हम लोग तो गुरुकरण किया है, तुम्हारे गुरु जी साधन सिद्ध है कि नित्य सिद्ध है? मानो साधन सिद्ध है, उसका
निशाना तो चैतन्य चरितमृत है, चैतन्य चरितमृत में है। गुरु मरे यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास वहां पर कह रहे हैं, क्योंकि अकेला जो कृष्ण है प्रभु है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब दास, इसी दृष्टिकोण से केवल ईश्वर कृष्ण और सबके सब उनका दास है। लेकिन एक शिष्य को क्या समझनी चाहिए अपना गुरु को, तो कृष्णदास कल्याण गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, क्योंकि अकेला महाप्रभु ही प्रभु सब दास है, लेकिन एक शिष्य गुरु जी को क्या समझे कि तथापि जानिए आमी तहार प्रकाश। ये भगवत अभिन्न स्वरूप ये शिष्य को समझने चाहिए मेरे गुरुदेव, ये भगवत अभिन्न, नहीं तो उसको आह्वान से नहीं हो सकता, वो शिष्य आह्वान से नहीं हो सकता। जगत गुरु और महंत गुरु, जगत गुरु तो कृष्ण ही है, जगत गुरु का आदर्श जो अनुसरण करते हुए गुरु कार्य जो संसार में करते है वो सब महंत गुरु है। महंत गुरु का काम जगत गुरु का मिशन रक्षा। भगवान स्वयं अर्जुन को उपदेश किया है और दूसरा को उपदेश नहीं देते है, तो परंपरा में वही उपदेश चलते है, तो उपदेश देने वाला तो माइक्रोफोन कैसा होगा, उपदेश देने वाला तो कृष्ण ही है। मानो ऐसे एक माइक्रोफोन है, ये सबको सुनाते है, बोलते है तो कोई यार, तो बोलने वाला तो वही भगवान ही है। इसलिए बस सदगुरु उनको ही कहते हैं जो वैसे अच्छे तरफ से माइक्रोफोन की बात ही भगवान की बात ही एज इट इज दूसरों को कान में पहुंच देते हैं। अपना मन की बात जो बताते है वो गुरु नहीं हो सकते है, केवल भगवत बात, भगवान जो बोला वही बात ही दूसरों को बता दिया। इसलिए वो गुरु जी कृष्ण का स्वरूप ही है, वो बात कहां से आती है, वो भगवान से है। भगवान की बातें वो भगवान से अभिन्न स्वरूप है, फिर भी वैष्णव भी भगवान से अभिन्न स्वरूप है। भेदावेद प्रकाश स्वरूप है, परंतु शिष्य लोग गुरु को भगवत स्वरूप ही मानते हैं। कभी की कभी उनका साधन सिद्ध इस प्रकार विचार भावना अंतर में आ जाए तो गुरु में मनुष्य बुद्धि हो जाए। पहले बहिर्मुख फिर साधन करके गुरु बन गए, अभी भगवान का स्वरूप हो गए, ये राम रहीम नहीं, ये बात तो छह नहीं है। भगवान ही बता दिया है, जैसे हम देखते हैं रामानंद संगत में रामानंद भक्त है, महापुरुष होता है, परंतु हम देखते हैं महाप्रभु ही भक्त है, महाप्रभु ही श्रोता है, महाप्रभु ही प्रश्न है, उन्हें बुलाते हैं। रामानंद के मकार बिंदु से भगवान तत्व को तत्व प्रकाश करते हैं, अपने पूछते हैं अपने सुनते हैं। तो राज्य से भक्त है रामानंद राय, श्रोता है चैतन्य महाप्रभु, बीच बीच प्रश्न करता वो महाप्रभु है, परंतु तब तो पहले श्लोक में बता दिया है संचत रामा विदु भक्त मेघे। इसलिए तो भगवत कथा भक्त के माध्यम से जो प्रकाशित तो होते है, इसलिए वो भगवत बात, इसलिए गुरु तो भगवान का स्वरूप तो है, इसलिए बता देते हैं। तो वक्ता श्रोता और प्रोष्टा वो चैतन्य देव भगवान स्वयं, अर्जुन केवल श्रोता नहीं है, अर्जुन को श्रोता बना के जगत संसार को उपदेश देते है। अर्जुन तो प्रमातुर भक्त है, उद्धव प्रमातुर भक्त है, साधारण जीव नहीं है, मायावद जीव नहीं है,
परंतु भगवान उनको निमित्त करके संसार में प्रकाश करते हैं। तो प्रश्न करने वाला कृष्ण शक्ति से चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षण में बताते हैं, श्रीमान महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास प्रश्न उत्थापन किया कि शक्ति से जैसे रावण रूप गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रज रस को प्रकाश किया, अपनी बात नहीं है। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिल सब तत्व निरपया प्रवीण कर द्वारा संसार में जो शक्ति संचार किया वो शक्ति से ही कर सकते, केवल जीव शक्ति से नहीं होता, कोई जैव शक्ति से दैव शक्ति से वो काम नहीं होते सही, गुरु काम एकमात्र कृष्ण शक्ति से ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान अनंत मूर्ति धारण करते गुरु मूर्ति के गुरु के माध्यम से संसारी श्रद्धा जीव को श्रद्धालु जीव को आकर्षण करते हैं। इसलिए उसके बाद भगवान विष्णु महाराज भगवत कृपा शक्तावेश स्वरूप है, शक्ति है कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। वल्लभाचार्य जी कहते हैं जे नाम संकीर्तन प्रचार केवल कृष्ण शक्ति से ही संभव, इसलिए आप कृष्ण शक्तिमान है। तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, सांसारिक जीव सांसारिक लोग राजा लोग कितना उपदेश देते हैं प्रजा लोग नहीं सुनते हैं, और सारी दुनिया जिनको मानते हैं एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनके बात से सारे वर्ल्ड के मुखरित हो जाते हैं, तो मानो गुरु तक कहां से प्रकाशित होता है, तो भगवान तो स्वयं मुखारविंद से प्रकाश करते हैं। इसलिए गुरु को साक्षात भगवान स्वरूप ही मानना उचित है। पूजन तो वासुदेव ध्यान सहित गुरु वैष्णव को केवल भगवत बुद्धि से ही पूजा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त तो नहीं है। जो जाति बुद्धि करते हैं तो गुरु से अलग रहते हैं, वो तो नरक में रहते हैं, गुरु तो भगवान के पास रहते हैं। जाति बुद्धि देश काल पात्रों के अंतर्गत है, कोई मानते हैं मेरे गुरुदेव 10 साल पहले थे अभी नहीं है, ये भी तो सही नहीं है। कोई लोग बताते हैं कोई नित्य लीला प्रविष्ट मुख महाराज है, परंतु कोई भक्त लोग बताते हैं कभी नित्य लीला प्रविष्ट श्लोक नहीं व्यवहार करते हैं, क्योंकि श्रीमूर्ति के सामने श्रीमूर्ति को तो देख के बताते नित्य लीला प्रविष्ट ओंक महाराज की आरती की जाए, ये बात सही नहीं है। क्योंकि भगवान अपने श्रीमूर्ति के रूप से जैसे संसार में रहते हैं ऐसे ही श्रीमूर्ति के रूप से गुरु जी भी संसार में रहते हैं, और जहाँ मूर्ति नहीं है अंतर्जामी के रूप से वहां पर प्रकट रहते हैं। इसलिए नित्य लीला प्रविष्ट शब्द का प्रयोग और स्तन पर नहीं होता है, करना ठीक नहीं है। श्रीमूर्ति की आरती होते हैं तो भगवान के स्वरूप है, और नित्य लीला में प्रवेश किया तो यहाँ पर कौन रहते हैं। इसलिए नित्य शब्द व्यवहार करना उचित है, ओम विष्णुवाद शब्द जरूर लगाना उचित है, क्यों विष्णु पद्धति विष्णुवाद जो भगवान को प्राप्ति कराते हैं इसलिए उनका नाम विष्णुवाद है, जो नहीं करा सकते हैं वो उनको विष्णुवाद नाम तो उपाधि मात्र है। विष्णु पद्धति विष्णुवाद जिनके द्वारा विष्णु प्राप्ति होती है उनको विष्णुवाद कहते हैं। विष्णु पदम एवं जैसे भगवान कहते हैं जो वहां पर दे रहे हो वो एजेंट है, उसमें देने से वो मालिक प्राप्त हो जाता है, तो विष्णु पदम एवं, इसलिए विष्णु पद शब्द प्रयोग यथेष्ट, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और आजकल दूसरा बात लगाते है कोई भगवत पद लगाते है, कोई विष्णु प्रभुपाद शब्द व्यवहार करते है, कोई आचार्य पाद शब्द व्यवहार करते हैं, किंतु शास्त्र में एक ही पद लगाते हैं ओम विष्णुपाद। विष्णुपाद शब्द गुरु के लिए उपयुक्त है, क्योंकि
कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रति कृष्ण प्राप्ति हो जा हो इसलिए गुरुदेव विष्णुपाद स्वरूप है। उसके बाद अवनि सिंह महाराज प्रसन्न हो जाए। गुरु चरित्र है, गुरु चरित्र ही भगवत चरित्र है, गुरु चरित्र ही भगवत चरित्र है। जैसे एक पृष्ठ परिशिष्ट में वो भगवत चरित्र है, प्रहलाद चरित्र वो भगवत चरित्र है, तो भगवान का कला स्वरूप है वो। प्रहलाद चरित्र भगवत चरित्र ही अलग नहीं है, वो अलग कर नहीं सकते है ऐसे ही। इसलिए भक्त चरित्र भी भगवत चरित्र है, भगवान भी भक्तों के माध्यम से संसार में तत्व ज्ञान और प्रेम भक्ति विज्ञान तथा सदाचार को प्रवर्तन कराते हैं। तो स्वयं भगवान के स्वरूपत है, इसलिए आचार्य भगवान के स्वरूप थी वो भगवान के समान मानना है। तस्मिन तज्जने भेदाभावात् नारद गोस्वामी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, इसलिए वो भगवत जन वो भगवान से अभिन्न स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप ज्ञान करके उनके पूजन करा कर्तव्य है। जस्सो देवे परा भक्ति जथा देवी तथा गुरु, केवल कृष्ण में प्रेम भक्ति गुरु में नहीं तो मनो गुरु भक्त नहीं है, उनमें प्रेम भक्ति का प्रकाश नहीं होता। जस देवे पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु तस्सैते कथित अर्थः प्रकाशं महात्मनो। जय गोविंद। तो परम पूज्य बात भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज ऐसे एक चरित्र संसार में प्रकट किया है। तो भगवत चरित्र के एक अंश चरित्र है, जिनको दर्शन करके वो अमूर भविष्य में कोई जीव लो भगवान के प्रति अनुप्राणित हो सकते हैं। जैसे प्रहलाद चरित्र उपमा स्वरूप है भगवान कहते हैं, पिछले बामन चरित्र उपमा स्वरूप है, क्योंकि वो दर्शन करते ही वो भक्त लोग बने। इसलिए भगवत चरित्र के अंतर्गत वो भक्त चरित्र जैसे शाखा प्रशाखा हम देखते हैं, पेड़ में पत्ती है फूल है तो पेड़ से अलग नहीं है, फिर भी अलग नाम होते हुए भी अलग नहीं है। ये विश्व संसार में एक वैष्णव सिद्धांत तो भगवान और बस वो वैष्णव सिद्धांत के कल्पतरु स्वरूप है। शाखा प्रसव के रूप से बड़े बड़े आचार्य लोग छोटे छोटे आचार्य लोग और प्रेम फल के स्वरूप जो है वो सब एक तत्व के अंतर्गत है। इसलिए वेदांत सूत्र में कहते हैं आत्मनि चैव विचित्रास्य, भगवान के अंतर में सब वैचित्र है। कोई बताते हैं ब्रह्म तो वैचित्र ही नहीं है, लेकिन वेदांत सूत्र कहते हैं आत्मनि चैव विचित्रास्य, उनके भीतर ही है। जैसे पेड़ में कितना वैचित्र है तो पेड़ में ही है, ऐसे जितना वैचित्र संसार में अनंत बड़े ब्रह्मांड में है सब वैचित्र ब्रह्म में है। और वैचित्र के कण स्वरूप एक अंश स्वरूप है गुरु वैभव, गुरु वैचित्र वैष्णव चरित्र, ये सब देख के सब लोग गुरु के प्रति प्रसन्न, गुरु के प्रति भक्तिमान हो। जय श्री जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसादान भगवति कुतो वंदे गुरु श्री चरण। जय हो कितने पर जय एक तो हरिना हुए तब जय ना वो तो है। कितनी जय गान करो कितन दी जय करो, কারণ বৈষ্ণবের প্রসন্নতা ব্যক্তিগত নামের জয়তে নেই, কৃষ্ণ নাম কীর্তন থেকে বিশেষ জয় প্রসন্নতা আসে। জয় গুরু। গুরুদেব মুঝে পর করো কৃপা, গুরুদেব মুঝে পর করো কৃপা, গুরুদেব মুঝ পর করো
कृपा गुरुदेव मुझ पर करो कृपा गुरुदेव मुझ पर करो कृपा कामी क्रोधी में अपराधी बड़ा कामी क्रोधी अपराधी बड़ा कामी क्रोधी अपराधी बड़ा मैं कामी क्रोधी अपराधी बड़ा गुरुदेव मुझ पर करो कृपा 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 शरण में ले लो अब मोहे शरण में ले लो नाथ अब मोहे शरण में ले लो नाथ गुरुदेव मुझ पर करो कृपा गुरुदेव मुझ पर करो कृपा हे वामन गोस्वामी पर करो कृपा मुझे दासम पर करो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
निर्लज्जता है एक बागी और बस अभिमान है और बस अभिमान है। गुरुदेव मुझ पर करो कृपा, 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 गुरुदेव मुझ पर करो गुरुदेव मुझ पर करो कृपा, गुरुदेव मुझ पर करो कृपा। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण लिया आपकी, अब शरण लिया आपकी, अब शरण शरण ली आपकी। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी, अब शरण ली आपकी। पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपके, पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपके। गुरुदेव मुझ पर करो कृपा, 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 गुरुदेव मुझ पर करो कृपा। आप भी यदि छोड़ दोगे गुरुदेव, आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा मैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। हमर दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, ये भार दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा। गुरुदेव मुझ पर करो कृपा, मुझ पर करो कृपा, मुझ पर करो कृपा, मुझ पर करो कृपा। Guru Dev, Jai Guru Dev, Jai Guru Dev.
ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत भवन कृष्ण महाराज की जय। तदीय श्री त्रिभक्ति दीपा महोत्सव की जय। ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज की जय। तदीय श्री त्रिभक्ति दीपा महोत्सव की जय। ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। प्रणाम संकीर्तन की जय। कपार चौत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। रूपानुगाचार्य बिंद की जय। स्वामी प्रभु की जय। पंचतत्व आत्मा बहुत सुंदर की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय।